मेरी प्रेरणा का स्रोत है मेरे पिताजी, जो कि खुद एक न्यायिक अधिकारी हैं, तो उन्हीं को मैंने बचपन से देखा है और तभी से मैंने अपने मन में बना लिया था कि मुझे भी न्यायिक अधिकारी बनना है। अगर पहले टर्म में पेपर नहीं क्रैक होता है तो उसमें हार मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और मेहनत करने वाले बहुत सारे हैं, तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दोस्त लोग बाहर हैं, पार्टी कर रहे हैं और भी तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं, कॉलेज लाइफ है आप, तो वो आप इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक ग्रेटर एम को सोचकर आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हमारी बातचीत हुई नीरू आनंद जी से, जिन्होंने भारत में 24वीं रैंक से ज्यूडिशरी एग्जाम क्वालिफाई किया। अब हमारे साथ हैं अभिनव त्रिपाठी जी, इन्होंने सबसे कम उम्र में इस परीक्षा में सफलता पाई है। तो अभिनव जी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करी, और साथ ही साथ मैं अपने शिक्षक सिद्धार्थ दुबे सर को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी पर्सनल मेंटरशिप में और अपनी गाइडेंस देकर मुझे इस सफलता को मैंने अपने हासिल किया। ओके, और आपको मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली इस लाइन में आने की, जज बनने की प्रेरणा कहाँ से आपने प्राप्त की? मेरी प्रेरणा का स्रोत है मेरे पिताजी, जो कि खुद एक न्यायिक अधिकारी हैं, तो उन्हीं को मैंने बचपन से देखा है और तभी से मैंने अपने मन में बना लिया था कि मुझे भी न्यायिक अधिकारी बनना है। अच्छा, तो आपके पिताजी भी इसी न्यायिक अधिकारी हैं? जी। ओके, कहाँ से हैं वो? जी, वो इस टाइम न्यायिक अधिकारी रामपुर हैं, जिला जज। अच्छा अच्छा, ओके। तो मतलब बचपन से ही आप यही देखते ही आए होंगे, तो बस आपने भी सोच लिया होगा कि मुझे भी आगे चल के कुछ ऐसा ही करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कितने लंबे समय से प्रिपरेशन की? मैंने अपना ग्रेजुएशन 2022 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पूरा किया है, तो मैंने अपनी तैयारी फोर्थ ईयर में, जो कि 2020 में मैंने अपनी स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, और करीब 2 साल बाद मैंने इसमें सफलता हासिल करी है। तो आपने कुछ कोचिंग की, मतलब कहीं से कोचिंग या कुछ ऐसा सोचा कि कहीं से ज्वाइन करके आप अपने तैयारी की? जी, चौथे साल में मैंने लक्स लोसाई जुडिशियल एकेडमी, जो कि गोमती नगर लखनऊ में है, मैंने उसको ज्वाइन किया था। वहीं पर मेरी मुलाकात सिद्धार्थ सर से हुई, जिन्होंने मुझे अपना गाइडेंस और अपनी मेंटरशिप प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से मैं आज सफल हो पाया हूँ। कितना टाइम देते थे आप अपनी पढ़ाई और सफलता की इस रास्ते पर चलने के लिए? मैं अगर समय की बात करूँ तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मैंने अराउंड 8 से 10 घंटे अपना डिवोट किया रोज, और मेंस के दौरान मैंने करीब 13 से 14 घंटे पढ़ाई करी थी। आपकी परीक्षा में रैंक कितनी आई थी? मेरी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में AIR 56 आई है, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने सफलता हासिल करी है। अच्छा, ऐसा भी है कि आपने सबसे कम उम्र में सफलता हासिल की, तो आपकी उम्र कितनी है? जी, मैंने जब मैं अपना फॉर्म ने फिल किया था तो मेरी उम्र 22 साल थी, और ये मेरा ग्रेजुएशन के बाद अपना पहला पेपर था। जब रिजल्ट आया तो मैं 23 साल का। अपने जूनियर्स को आप क्या राय देना चाहेंगे? मैं अपने जूनियर्स को 2-3 राय देना चाहूँगा, जो कि पहली उसमें से ये होगी कि वो हार नहीं माने। अगर पहले टर्म में पेपर नहीं क्रैक होता है तो उसमें हार मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं और मेहनत करने वाले बहुत सारे हैं, तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए और उनको अपने सेकंड अटेम्प्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप बीच में ब्रेक कर देते हैं तो फिर आप आगे आने वाले कोई भी एग्ज़ाम को आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं दे पाएंगे। तो दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, और तीसरा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका हार्डवर्क सबसे ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस भी होना चाहिए, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके कोई शिक्षक भी हो सकता है, या आपको कोई सीनियर भी हो सकता है, तो ये 3 चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, तैयारी के समय क्या आपने कोई ऐसी मतलब मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी? जी, तैयारी के दौरान कुछ चीज़ें थीं जो मुझे झेलनी पड़ी, जैसे कि कह सकते हैं कंसिस्टेंसी, जैसा मैंने मेंशन किया, क्योंकि 1-1.5 साल 2 साल की तैयारी करना बहुत लंबा एक टाइम पीरियड है, जिसमें कि कई बार ऐसा लगता है कि अब हम छोड़ दें तैयारी को, या हमसे नहीं हो पा रहा है, एक तरह से डिप्रेशन होने लगता है, तो ये एक डिफ़िकल्टी आती है। और दूसरी डिफ़िकल्टी यह आती है कि डिस्ट्रैक्शंस, जो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दोस्त लोग बाहर हैं, पार्टी कर रहे हैं और भी तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं, कॉलेज लाइफ है आप, तो वो आप इन्जॉय नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक ग्रेटर एम को सोचकर आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये 2 दिक्कतें मैंने फेस करी हैं अपने प्रिपरेशन के टाइम पर। आप जज बनने के बाद देश की सेवा कैसे करना चाहेंगे, मतलब आपके दिल में, मन में कोई अलग ख्याल?
क्योंकि मैं अब एक जज की पोस्ट पे कार्यरत रहूँगा, तो सबसे पहला काम तो मुझे अपने काम को सही से सीखना, अपने सीनियर से अपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी मुझे सिखाया जाएगा, जो भी मेरे दायित्व मुझे बताए जाएंगे उनका निर्वहन करना, और जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रहेगी वहाँ पे अपना मैं पूरा अपना जो भी मेरा फोकस है और अपना पूरी मेरा जो योग्यता हो मैं वहाँ पर प्रदर्शित कर पाऊँ।